इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सी प्लस के कॉस्मिक डीवीआर के एक इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। 5 MP सपोर्ट करने वाला एक डीवीआर है जो 5 MP के कैमरे इसमें सपोर्ट होते हैं। तो इसकी आज इंस्टॉलेशन और वाईफाई से ऑनलाइन किस तरह इसको करना है, वाईफाई अडेप्टर लगा के इसको ऑनलाइन करना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नया डीवीआर है हमारा, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट करना है। यहाँ से टाइम जोन डालना है हमें चेन्नई कोलकाता मुंबई का, जो कि हमारा पहले से ही डाला हुआ है। टाइम हमारा, डेट हमारी है आज 12 दिसंबर 2021 11:21 हो रहे हैं, ये हमारा टाइम है। यहाँ से हमें इसमें पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड बनाते हैं हम एडमिन @123। आप अपने आप से कोई भी पासवर्ड इसमें डाल सकते हो। यहाँ से हमें कंफर्म करना है इसका पासवर्ड को। यहाँ से कोई क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख के कोई भी अपना कोई जवाब ले लेना है अपने आप से, कोई भी जो आपको याद रहे। मैं अभी R डाल देता हूँ। यहाँ से आपको पैटर्न सिलेक्ट करना है, एल बना देते हैं यहाँ पे पैटर्न। यहाँ इसको हम कर देते हैं ऑफ। ईमेल, अगर यहाँ से आप ईमेल डालना चाहते हो तो ईमेल भी डाल सकते हो, आगे चल के बहुत काम आती है वो हमारे। ईमेल डालने के बाद हमें यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि हमें कभी DVR का पासवर्ड रीसेट करना होता है तो रीसेट जो पिन होता है ना वो ईमेल पे आ जाता है हमारी में। तो अभी हम ईमेल नहीं डाल रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट करना है, यहाँ से भी नेक्स्ट। यहाँ से देखिए सिग्नल इंटेंसिटी, ये वाईफाई का है। वाईफाई मैंने अडेप्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, वाईफाई अडेप्टर हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ से ये दिखा रहा है वाईफाई को। अभी इस वाईफाई पे मुझे ये कनेक्ट करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ से पासवर्ड डालेंगे इसमें। मैं आपको पासवर्ड डालने के बाद दिखाता हूँ, पॉज कर देता हूँ मैं अभी को वीडियो। अभी मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है, तो यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से सेव कर दें, देखो हमारी IP एड्रेस दी हुई है यहाँ पे, सब नेट मास्क दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें ऑनलाइन स्टेटस ऑनलाइन दिखाया हुआ है। ये होता है QR कोड, जिससे आप C+ का एक ऐप होता है GCMU, उससे स्कैन करने के बाद इसको ऑनलाइन अपने मोबाइल पे चला सकते हो। उसके वीडियो में अलग से लाऊंगा। तो बस नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आप अपने कैमरे का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, बिटरेट सेट कर सकते हो। यहाँ से आप ऑडियो ऑन कर सकते हो, ऑडियो ना लोकल रखना है आपको। ऑडियो इनकोड यहाँ से ऑन कर देना है। सब स्ट्रीम जो आप मोबाइल पे देखोगे वहाँ पे भी रेजोल्यूशन आपको सेट करना होगा। आप चाहें तो रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट्स, बिट रेट्स, क्वालिटी, यहाँ पे भी ये ऑडियो को लिया ऑन बोलता है तो ऑन कर देते हैं, कोई नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी मैंने एक ही कैमरा लगाया हुआ है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हो अपने आप किसी भी कैमरे का, किस कैमरे को रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, किस कैमरे को मोशन पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आप यहाँ से वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको फिनिश। ये हो गया है हमारा DVR एकदम फिनिश। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।